नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं गाजियाबाद बस स्टैंड, गाजियाबाद न्यू बस अड्डा, जहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है। और गाजियाबाद जब भी आप विजिट करते हैं तो लास्ट मेट्रो स्टेशन आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। आज के इस वीडियोज में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैं मेट्रो में बैठा हुआ हूँ और ये मेट्रो का सफ़र लगातार चल ही रहा, और लास्ट स्टॉपेज जो है वो न्यू बस अड्डा पड़ता है, जहाँ पे आप गाजियाबाद जा सकते हैं। यहाँ से तकरीबन कुछ ही दूरी पे गाजियाबाद है बस स्टैंड। अगर आपको जाना है 10 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो ये सेकंड वीडियोज में हम सब कुछ जानेंगे गाजियाबाद कैसे आप पहुँचेंगे। आपको बता दें कि मेट्रो की शुरुआत जो होती है वो सुबह 5:30 से लगभग खुल जाती है, 5:30 से 6 के बीच में। तो आप बिल्कुल भी जब भी विजिट करते हैं गाजियाबाद में, एग्जाम वगैरह होता है तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। मेट्रो के माध्यम से आप यहीं पे जाके उतर सकते हैं। नए ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है, और अभी मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, जब आप यहाँ पे उतरेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, जो कि आपको हापुड़ या फिर यूपी के किसी भी हिस्से में जाना है उस जगह पे आपको यहाँ पे सारी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ से अगर आपको बस स्टैंड जाना है, ओल्ड बस स्टैंड, तो यहाँ से 10 रुपये किराया है, जो कि आप किसी भी ऑटो टोटो के सारे 10 रुपये दे के आप ओल्ड बस स्टैंड जा सकते हैं। वहाँ से फिर आप बस ले सकते हैं अन्य जगह का। गाजियाबाद में अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है या गाजियाबाद का कोई भी ऑफिस अगर आप विजिट करते हैं तो आपको इसी जगह पे उतरना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं शहीद स्थल न्यू बस अड्डा है। इसी जगह पे आपको उतरना पड़ेगा और यहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी। ये जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आपको जो है हुडा सिटी सेंटर, येलो लाइन और फिर पिंक लाइन, इन सभी जगहों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आपको काश्मीरी गेट जाना पड़ेगा हुडा सिटी सेंटर या अन्य जगह पे। अगर आप बदलना चाहते हैं तो काश्मीरी गेट से आप बदल सकते हैं, वहाँ से राजी चौक, राजी चौक से आप अन्य जगह पे जहाँ भी जा सकते हैं जा सकते हैं। तो ये गाजियाबाद का पूरा दृश्य है। इसके सामने देख सकते हैं होटल भी है बहुत सारे। अगर आप गाजियाबाद विजिट कर रहे हैं और आपको होटल में रुकना है तो आप होटल में भी रुक सकते हैं। इसके सामने पार्किंग का भी व्यवस्था है, जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह से आते हैं तो यहाँ पे पार्क भी कर सकते हैं। और ये पूरा न्यू बस अड्डा है, न्यू बस अड्डा जो है न्यू बस अड्डा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन। ये देख सकते हो ओवरब्रिज है ऊपर में, काफ़ी बड़ा है, और ऊपर में जब बड़ा है तो इसमें इस लाइन से उस लाइन आप जा सकते हैं। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या है। तो जब भी आप विजिट करते हैं गाजियाबाद या गाजियाबाद के किसी भी हिस्से में जाना हो, और मेट्रो से अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको न्यू बस अड्डा शहीद स्थल उतरना पड़ेगा। यहाँ से आपको बसें जो हैं अन्य जगह पे मिल जाएगी, और ये सिटी में मौजूद है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। और ये आपको बता दें कि ये लास्ट स्टॉपेज है गाजियाबाद का, इसके आगे आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। तो यहीं पे लास्ट स्टॉपेज है, इसी के जरिए आप अन्य जगह पे जा सकते हैं और जो है अपना ट्रैवल कर सकते हैं। इससे आगे आपको कोई भी जो है मेट्रो स्टेशन नहीं मिलेगा। तो ये पूरा दृश्य है जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद DGMS ऑफिस अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से 10 रुपये किराया लेगा, जो कि आपको बस स्टैंड चलेगा, ओल्ड बस स्टैंड, और वहाँ से 10 रुपये देंगे तो आपको जो है CGO ऑफिस कॉम्प्लेक्स बोलिएगा, आयकर विभाग या पासपोर्ट ऑफिस, तो आपको वहाँ पे छोड़ देगी। और वहाँ पे जो है उसी बिल्डिंग में DGMS का ऑफिस है, आयकर विभाग या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना हो गाजियाबाद का तो आप जो है यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे 10 रुपये, और बस स्टैंड से अगर आप 10 रुपये देंगे तो आपको हापुड़ रोड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है, वहाँ पे आपको छोड़ देगी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया गाजियाबाद का, और आशा है इस वीडियो जो आपने काफ़ी सारा कुछ समझा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देख सकते हैं गेट नंबर 2 पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ से एंट्री लेते हैं न्यू बस अड्डा। अगर आप जाएंगे अंदर मेट्रो स्टेशन तो यहीं से आपको एंट्री दिया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं अभी कोरोना का टाइम है तो स्कैनिंग हो रहा है, स्कैनिंग करके फिर अंदर भेजा जा रहा है। तो ये पूरा दृश्य है। पार्किंग एरिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन अन्य जगह पे आप ले सकते हैं। मेट्रो से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, ये नीचे उतरने का एग्जिट होने का, और सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑटो लगे हुए, टोटो लगे हुए हैं, जो आपको यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी जहाँ भी आप जाना सकते हैं। तो ये पूरा दृश्य है गाजियाबाद का। गाजियाबाद यूपी जब भी आप विजिट करते हैं तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा और यहीं से आपको जाना पड़ेगा। इस वीडियो में आपने देखा कि गाजियाबाद का। अन्य जानकारी आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका भी जानकारी हम आपको देंगे।